20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. नमस्कार BC News के टॉप 20 खबरों में आप सभी का स्वागत है। डालते एक नजर आज की टॉप 20 खबरों पे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर की साझा। जयपुर की भांगरोटा थाना पुलिस ने 12 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये बांग्लादेशी जयपुर में फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवा कर रह रहे थे। बिग बॉस 18 के घर में फिलहाल राशन का कंट्रोल अविनाश मिश्रा के पास है। राशन के दम पर अविनाश खुद को बिग बॉस 18 के लाडले समझने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने यूपी के शख्स को गोली मार दी है, वह घायल हो गया है। झारखंड में आज मेगा नॉमिनेशन डे है। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, चंपई सोरेन, अमर बावरी, मीरा मुंडा, सरयू राय, सीपी सिंहा सहित कई दिग्गज नेता नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 के आसपास पहुंच गया है। चक्रवाती तूफान दाना को ओडिशा के और बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दाना आज ओडिशा पहुंच जाएगा। हरियाणा के बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 अक्टूबर को बुलाई गई थी। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों के लिए विधायक का चयन संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इमारत ढहने से हुई मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेंगी। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण आग लगने की खबर है। डिब्रूगढ़ के उत्तरी अमोलपट्टी के धोबीपट्टी में आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की 2 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली पहुंचेंगे। वह मायावती की सीट शेयरिंग के लिए होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मायावती गठबंधन में शामिल अजीत पवार की तरफ से मावल सीट पर सुनील शेलके को उतारा गया है। इसके विरोध में बीजेपी के पूर्व विधायक बाला भेंगड़े ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र 5 सीटों पर उम्मीदवारी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मुंबई की 13 सीटें शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें पार्टी ने 13 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना UBT प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पार्टी ने माहिम से राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ महेश सावंत को टिकट दिया है। महाविकास आघाड़ी में 270 सीटों पर सहमति बन गई है। शिवसेना, UBT, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी 85-85 सीटों पर लड़ेगी। 15 सीटों पर फैसला होना बाकी है। 18 सीटें सहयोगी मिलेगी। घरेलू शेयर बाजार की सपाट चाल के चलते आज स्टॉक मार्केट ओपनिंग भी सुस्त रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर आज सपाट ओपनिंग के साथ खुला। बिग बॉस 18 के घर में फिलहाल राशन का कंट्रोल अविनाश मिश्रा के पास है। राशन के दम पर अविनाश खुद को बिग बॉस 18 के लाडले समझने लगे हैं। तो आज के टॉप 20 खबरों में वक्त चला है यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।